पंथ से निष्कासित किए गए श्रोमणी अकाली दल के पूर्व नेता सुच्चा सिंह लंगाह ने श्री अकाल तख्त साहब से अपील की है कि उन्हें फिर से पंथ में शामिल किया जाए। उनकी ओर से श्री अकाल तख्त साहब को एक पत्र लिखा गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहब के ऑनररी सचिव गुरमीत सिंह का कहना है कि उनके पास इस तरह का कोई भी पत्र नहीं आया है। सुच्चा सिंह लंगाह यदि अपनी मर्जी से यहाँ पर माथा टेकने के लिए आ रहे हैं तो उस बारे में वह कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दें कि सुच्चा सिंह लंगाह की एक महिला के साथ कुछ साल पहले वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद उन्हें पंथ से निष्कासित कर दिया गया था। बता दें कि चीफ खालसा दीवान के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा को श्री अकाल तख्त साहब की ओर से माफ़ी दिए जाने के बाद और उन्हें फिर से पंथ में शामिल कर लिए जाने के बाद से ही सुच्चा सिंह लंगाह पंथ में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। मैं तो गुरु महाराज का अकाल तख्त हर गोबिंद पातशाह के चरण परस रहा वहाँ जिदा कोई आसरा नहीं वह गुरु घर आसरा तो मैं गुरु घर द ओट आसरा लिया वा आशीर्वाद लैन लिया। सिंह साहब ने कोई आश्वासन दिता जी तुहाडी चिट्ठी के उपर? सिंह साहब ने कोई आश्वासन दिता जी तुहाडी चिट्ठी ते? मैं तो हर गोबिंद पातशाह के चरणों से अरदास बेनती करना उत्थे पाठ पूजा करी दी है वह कृपा करनगे। श्री अकाल तख्त साहब से कोई चिट्ठी ऐसी साढ़े को नहीं आई, कोई अकाल तख्त साहब किसी भी पास्यों सिंह साहब जी वालों कोई आग्या नहीं है, कोई साढ़े सकत्रियत वालों कोई भी चिट्ठी अभी रिसीव नहीं की। तो यह मसला जोड़ा है ये बारे डिस्कशन बारे कोई एजेंडा नहीं है। सुच्चा सिंह लंगाह तो साथियों को पिछले 16 तरीक तो लगातार श्री अकाल तख्त साहब से आके नतमस्तक हो रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, उन्होंने कहना भी 25 तरीक तक मैं इतने आना। अकाल तख्त साहब के सैक्रेटरीएट के बाद कौन की करता है असं वो जिम्मेवार नहीं। अकाल तख्त सकत्र के आगे किसी ने भी इस तरीके का कोई हक या विरोध गल्ला जीडिया नहीं की, और अकाल तख्त साहब के सैक्रेटरीएट वालों सिंह साहब के आदेश मुताबिक कोई भी ऐसी कार्रवाई जी है इतने ना हुई है तो ना ही बड़ा चिट्ठी सामने मिली। पंथ के चिट्ठी देते शामिल किया जाएगा फैसला करेंगे, लेकिन साढ़े कोई चिट्ठी या कोई कार्रवाई इसलिए नहीं है। कुछ पंथक जथेबंदियों इस गल का विरोध किया जा रहा है, मांग की जा रही है पंथ च ना शामिल किया जाए, ऐसा कोई अकाल तख्त साहब सकत्रियत नॉलेज कोई चीज़ नहीं है। कल अकाल तख्त साहब के बाहर ही नारेबाजी की गई अकाल तख्त साहब के सकत्रियत कोई ऐसी जी इनफॉर्मेशन नहीं है।